Hello friends, subscribe to my channel and press bell icon for more update. Friend and welcome back my YouTube channel. So friend, आज हम discuss करेंगे square wave polarography, जो कि polarography का बहुत important topic है. और आप लोगों में से भी कईयों के comment आए थे कि मैम square wave polarography पर video बनाइए. So मैंने square wave polarography पर video बनाई है. So चलिए आज हम discuss करेंगे polarography का सबसे अच्छा, easy और important topic. So square wave polarography में सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये discover किसने किया. तो सबसे पहले जो ये develop किया था वो बेकर और जेनकिंस ने develop किया. So main बात है, generally polarography होता है, उसमें एक और term आगे लग गया है, square wave polarography. यानी हमें ये तो समझ में आ रहा है कि polarography में थोड़ा सा modification हुआ है, इसलिए square wave polarography बना है. So हमें generally पता है polarography में अगर हमें किसी का concentration जानना हो, so हम क्या करते हैं, cathode anode लगाते हैं और क्या है, metal को उसमें fill कर देते हैं. तो जो metal है वो cathode की तरफ जाता है, उसका reduction होता है, it means वहाँ से electron free होते हैं. और इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे मतलब करंट फ्लो होगा. सो करंट और पोटेंशियल का हम ग्राफ बनाते हैं और उसी ग्राफ की मदद से, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा ये पोलेरोग्राफ है, और इसी ग्राफ की मदद से हमें पता चलता है कि कौन सा मेटल एज अ इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, प्लस में उसका कंसंट्रेशन कितना है. सो जनरली मैंने बताया कि जो पूरी कहानी है कि कौन सा मेटल डिपेंड है एज अ इम्प्योरिटी, वो टोटली हमें इस ग्राफ के थ्रू पता चलता है. ऐसा भी हो जाता है कि जनरली कुछ ऐसा हो जाए कि ये ग्राफ हमें क्लियर ही ना आए. सो ऐसा होता है, बहुत केसेस में ऐसा होता है. सो ऐसा कब होता है हमें पहले ये देखना है. तो एक चार्जिंग करंट नाम का वर्ड आएगा. चार्जिंग करंट क्या है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है पोलेरोग्राफी टेक्निक के लिए. वो क्या है, हिंड्रेंस क्रिएट कर देता है. तो मेन हमें पता चला चार्जिंग करंट क्या है, पोलेरोग्राफिक टेक्निक की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. सो मेनली ये आती कब है ये प्रॉब्लम, तो जब हम किसी मेटल उसका कंसंट्रेशन बहुत कम है और हम जब उसे मीजर कर रहे हैं, तो उस टाइम पर ये चार्जिंग करंट नाम की प्रॉब्लम हमारे सामने आती है. सो मेन बात है, अब जब चार्जिंग करंट की प्रॉब्लम आती है तो हमें होता क्या है उस टाइम पे, तो जो टोटल करंट है हम उसमें से फेराडे करंट को पहचान नहीं पाते. एज यू नो कि फेराडे करंट बहुत जरूरी है पोलेरोग्राफी कर्व के लिए. सो अगर हम फेराडे करंट को नहीं पहचान पाएंगे तो क्या है, ये जो कर्व है वो अच्छा नहीं बनेगा. अब क्योंकि आपको पता है जब हम लो कंसंट्रेशन पर मीजर कर रहे हैं किसी को तो प्रॉब्लम होती है, तो भाई जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है वो भी तो लो कंसंट्रेशन में होती है. तो सिंपल सी बात है, पोलेरोग्राफी में ये प्रॉब्लम आना बहुत नॉर्मल बात है. अब क्योंकि हमें पता है चाहे हम एसी पोलेरोग्राफी से मीजर कर लें या डीसी पोलेरोग्राफी से, क्योंकि दोनों ही टेक्निक क्या है, लो कंसंट्रेशन के लिए होती है, और दोनों ही जो प्रोसेस है उनमें क्या है, चार्जिंग करंट और कैपेसिटेंस करंट नाम की प्रॉब्लम आ जाती है. अब मेन बात है इस प्रॉब्लम को दूर कैसे किया जाए. तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक स्पेशल टाइप की पोलेरोग्राफी मीजर हुई, दैट इज स्क्वायर वेव पोलेरोग्राफी. सो इतना टर्म पढ़ने के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे स्क्वायर वेव पोलेरोग्राफी होता क्या है एक्चुअल में. सो आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, क्योंकि चार्जिंग करंट डेवलप हो रहा था जिसकी वजह से हमें जो छोटे अमाउंट में जो मेटल एज अ इम्प्योरिटी प्रेजेंट होते हैं उनका ग्राफ हमें क्लियर नहीं हो पा रहा था, हम उसकी स्टडी नहीं कर पा रहे थे. तो बेकर और जेनकिन ने क्या है, एक तरीका डेवलप किया जिससे हमें क्या है, कोई भी प्रॉब्लम ना हो. सो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि चार्जिंग करंट और कैपेसिटेंस करंट क्या होता है और ये प्रॉब्लम क्या होती है. सो जो चार्जिंग करंट और कैपेसिटेंस करंट है ये दो फैक्टर्स की वजह से आता है. ये कब क्रिएट होता है, तो ये जब क्रिएट होता है जनरली क्या होगा, मरकरी आपको पता है ड्रॉप वाइज ड्रॉप गिरता है, तो मरकरी की जब ड्रॉप है उसका साइज जब बड़ा हो जाता है तो चार्जिंग और कैपेसिटेंस करंट की प्रॉब्लम आती है. दूसरा है हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर, आपने पढ़ा होगा. सो जो डबल लेयर है उसका जो चार्ज है वो क्या है, बार बार चेंज होता जाता है, तो उसकी वजह से चार्जिंग कैपेसिटेंस की प्रॉब्लम आती है. सो इन दोनों ही प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या है, पोलेरोग्राफी को डेवलप किया गया है, स्क्वायर वेव पोलेरोग्राफी को. ठीक है, तो अब हम देखेंगे स्क्वायर वेव पोलेरोग्राफी का प्रिंसिपल क्या है. तो मैंने एज नो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एसी और डीसी पोलेरोग्राफी दोनों में चार्जिंग और कैपेसिटेंस करंट आ जाता है. सो दोनों को क्या है, मॉडिफाइड करके, दोनों को सुपर इंपोज करके, दोनों को कंबाइन करके स्क्वायर वेव पोलेरोग्राफी बनाया. जनरली क्या था, हम सिंपल अगर हम एसी पोलेरोग्राफी ले यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या है, हम एसी पोटेंशियल यूज करते हैं, डीसी पोलेरोग्राफी यूज कर रहे हैं तो डीसी पोटेंशियल यूज करते हैं, लेकिन स्क्वायर वेव पोलेरोग्राफी में हम दोनों टाइप के पोटेंशियल्स को यूज करते हैं. सो क्या है, जो एसी पोटेंशियल है, एसी पोटेंशियल को हम स्क्वायर वेव वोल्टेज सिग्नल की फॉर्म में लेंगे. यानी जो हम एसी पोटेंशियल ले रहे हैं वो आपको यहां पर जो नजर आ रहा है स्क्वायर वेव की फॉर्म में, हम उस फॉर्म में लेते हैं.
और डीसी पोटेंशियल की बात करें वो हम डीसी रैंप की फॉर्म में लेते हैं। अब भैया डीसी रैंप क्या है? सो डीसी रैंप क्या है कि जो करंट पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डीसी पोटेंशियल, वो कैसा होगा? लीनियर होगा। सो हमें समझ में आ गया कि स्क्वायर वेव पोलेरोग्राफी में दो टाइप के पोटेंशियल यूज करते हैं। जो एसी है वो तो स्क्वायर वेव की फॉर्म में होता है और जो डीसी है वो क्या है? एक रैंप की फॉर्म में होता है। तो मैंने यहाँ पर कंबाइन करके दिखा दिया है कि ये क्या है, स्क्वायर वेव की फॉर्म में है और ये क्या है, सिंपल लीनियरली फॉर्म में है। तो मीन क्या है, अगर ये दोनों पोटेंशियल क्या है, जब दोनों पोटेंशियल को हम कंबाइन करेंगे तो उससे क्या है, हमें एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में, यानी वेव की फॉर्म में, वो भी जो स्क्वायर वेव है उसकी फॉर्म में हमें क्या है, एक ग्राफ देखने को मिलेगा। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर वेव पोलेरोग्राफी। और जो ग्राफ होता है ना वो बिल्कुल साइनोसोइडल पल्स की तरह होता है। जैसे साइनोसोइडल में ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, सेम उसमें क्या है, कैथोडिक और एनोडिक दोनों टाइप की वेव पाई जाती हैं। यहाँ पर मैंने क्या है, अब स्क्वायर वेव पोलेरोग्राफी में पोटेंशियल शो कर दिया है कि हम पोटेंशियल कैसे दे रहे हैं। तो आपको नजर आ रहा होगा, एक तो ये तो लीनियर पोटेंशियल है जो कि लीनियरली जा रहा है, यानी ये कौन सा है, लीनियर वाला कौन सा है, ये डीसी है। आपको दिख रहा होगा बीच में एक लाइन है, ये लीनियर पोटेंशियल है डीसी। और ये जो आपको पल्सिस की फॉर्म में, स्क्वायर वेव पल्सिस की फॉर्म में नजर आ रहा है, ये कौन सा पोटेंशियल है, एसी। तो एसी डीसी दोनों पोटेंशियल टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं। अब क्योंकि हमें पता चला कि जो प्रॉब्लम होती है वो हमारी दो तरीके, दो उनकी वजह से हो रही थी, एक तो मरकरी का साइज क्या था वो बड़ा हो रहा था, और दूसरा क्या है, वहां पर क्या है, चार्ज, जो हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर था उसका चार्ज टाइम के साथ वेरी हो रहा था। सो चार्ज के वेरी बहुत कम केसेस में होता है, तो ये प्रॉब्लम हमें ज्यादा देखने को नहीं मिलती, लेकिन मरकरी का जो साइज है वो बड़ा हो जाता है। अब मेन बात है, स्क्वायर वेव पोलेरोग्राफी में ऐसा क्या किया गया कि मरकरी का साइज अचानक से कम कर दिया गया? सो उसमें क्या करते हैं, जो हमें जनरली क्या है, मरकरी की ग्रोथ होनी है, ज्यादा होगी तो उसकी वजह से क्या है, मरकरी ड्रॉप का साइज ज्यादा होगा। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि मरकरी की ग्रोथ ही ना हो पाए उतनी। सो देखो, ऐसा करना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन हम क्या करते हैं कि जैसे ही मरकरी की ड्रॉप निकल कर आएगी, सो तुरंत हम क्या है, वहां पर पोलेरोग्राफी मेजर कर लेते हैं, क्योंकि तुरंत होगी ना तो उसका साइज इतना बड़ा होगा, प्लस में एक और प्लस पॉइंट होता है उस टाइम पे कि जब तुरंत वो ड्रॉप बनती है तो जो उसका करंट होता है वो भी उस टाइम पे क्या है, पीक है। तो जैसे ही ड्रॉप बन के निकलने को रेडी होती है, तुरंत क्या है, पोलेरोग्राफी अप्लाई कर लेते हैं और हम पोलेरोग्राम पहले ही तुरंत क्या है, रेडी कर देते हैं। सो ये मैंने आपको क्या है, पोलेरोग्राम दिखाया है, स्क्वायर वेव पोलेरोग्राफी के केसेस में क्या होता है। तो यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल और टाइम है, तो मैंने बताया कि ये क्या है, लीनियर पोटेंशियल है, आपको नजर आ रहा होगा एक लाइन की फॉर्म में, ये लीनियर पोटेंशियल है और इसे हम दो लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट किया है मैंने, ठीक है। और ये क्या है, स्क्वायर वेव पोटेंशियल है, ये मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में क्या है, पोटेंशियल चेंज है। सो मेन बात है, जब पोटेंशियल और टाइम का जो ग्राफ है स्क्वायर वेव पोलेरोग्राफी में हमने देखा हुआ है, लेकिन पोलेरोग्राम में हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि आपको पता है पोलेरोग्राम क्या है, करंट, जरा करंट और पोटेंशियल के बीच में बनना है, तो इसका जो पीक है वो कुछ हमें ऐसा देखने को नजर आता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और लगा होगी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, सो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।